बीजेपी विधायक और पूर्व उद्योग परिवहन मंत्री ने कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा सरकार में नहीं नजर आ रहा आपसी सामंजस्य। शिमला में सेब उत्पादक सरकार राज्य स्तरीय सम्मेलन, देशभर में बागवान उत्पादक हुए शामिल। कुल्लू में हादसे के इंतजार में मिला जिला प्रशासन। आपको बता, बीते 5 सालों में नहीं बनाया गया पुल, लकड़ी के जुगाड़ से नदी पार करते हैं ग्रामीण। मंडी में पहाड़ियों को काटने का काम शुरू, एनएच पर चल रहे ट्रैफिक को प्रतिदिन करना पड़ता है बंद। और बिलासपुर में खुद को गोली मारकर युवक ने की आत्महत्या, दिमागी तौर पर बीमार था युवक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला में बीजेपी विधायक और पूर्व उद्योग परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के भीतर आपसी सामंजस्य नजर नहीं आ रहा है और लगातार आर्थिक बदहाली की बात कर रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की गारंटियों को भी पूरा करने की बात कर रहे हैं। इन दिनों ही बातों में विरोधाभास जो है वो नजर आ रहा है और लोग अब इससे बेहद ही परेशान हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के आर्थिक बदहाली के बावजूद सरकारी बसों के बेड़े को इलेक्ट्रिक बेड़े में बदलने की बात कर रही है, जब सरकार के पास चालकों का वेतन समय पर देने के भी पैसे नहीं है। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जिस समय सत्ता में आई थी तो ऐसा लगता था, जिस प्रकार का नारा उन्होंने दिया है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, गारंटियों के सहारे ये सरकार आई थी और अभी 6 महीने बीत जाने के बाद भी परिस्थितियां उसी प्रकार की हैं जैसी उस समय थी जब सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने थे। आज पूरे प्रदेश के अंदर चाहे वो कानून व्यवस्था की बात करिए, आप बेरोजगारी की बात करिए, गारंटियों की बात करिए, हर जगह पे सुक्खू सरकार फेल हुई है। हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से वीआईपी नंबर HP999999 नंबर की बोली 30 लाख रुपए पहुंची है। आपको बता दें ये नंबर 30 लाख में बिक गया है। वहीं कोटखाई के एक व्यक्ति ने इस नंबर को 30 लाख में खरीदा है। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट की इस तरह के वीआईपी नंबर की नीलामी कर रहा है, जिससे कि प्रदेश की आय में वृद्धि होगी। साथ ही कहा कि अब बिना 30% टोकन मनी दिए बिना नंबर के लिए फ्रॉड आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया को मजबूत बनाया है, जिसके सकारात्मक परिणाम आने शुरू भी हो गए हैं। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि हरोली में 27 जून को नशे के खिलाफ वॉक फॉर लाइफ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका राज्यपाल शिवप्रसाद शुक्ल उद्घाटन करेंगे। इसमें हरोली के से कांगड़ा तक 4 किलोमीटर की दौड़ लगाई जाएगी। नशे के जो अभिशाप है उस पे एक जागरूकता कैंपेन चले, उसको लेके हम 27th को, इसी महीने 27th को ऊना जिला के हरोली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक वॉक फॉर लाइफ का आयोजन कर रहे हैं और उस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं और हरोली से लेके कांगड़ तक लगभग 4 किलोमीटर की वॉक जो है आयोजित होगी और ये उत्तर भारत का एक अनूठा कार्यक्रम होगा। शिमला में 2 टैक्सी यूनियन के बीच हुआ विवाद हल होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां सिरमौर की चुड़ेश्वर टैक्सी यूनियन के बाद आज देवभूमि टैक्सी यूनियन ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी संख्या में टैक्सी कारोबारी धरने में शामिल हुए, जहां यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस मामले को बेवजह का मुद्दा बनाया जा रहा है। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि यहां पर गैरकानूनी तरीके से गाइड काम कर रहे हैं और उन्हें प्रशासन टोकन नंबर दे और नाहन में रजिस्टर्ड टैक्सी गाड़ियां शिमला में चल रही हैं, जो गलत है। गाइड शिमला में पर्यटकों की गाड़ियों के पीछे दौड़ते हैं, जिससे कि पर्यटकों में भी डर का माहौल पैदा होता है और साथ ही सड़क पर जगह जगह गाड़ियां रोकी जाती हैं, जिससे कि जाम की स्थिति बन जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो ये लड़ाई है
ये हमारी देवभूमि की नहीं है, और जो हमारे यहाँ शिमला की जितनी अराउंडिंग हमारी कहना अपनी यूनियन है उनकी लड़ाई है, जैसे कि व्यवसाय के लिए है। कुछ दिन पहले जो हमारे नरेंद्र जी इनसे कोई एक झगड़ा हुआ छोटी सी बात में, इन्होंने अभी एक राजनीति कहना एक क्षेत्रवाद का मुद्दा बना दिया है। ये क्षेत्रवाद का मुद्दा नहीं है। हमारी मांग है जितनी भी ये कहना जो इसमें लड़के आरोपी है उन्हें अरेस्ट किया जाए। इतने दिन हो गए, अभी तक ये अरेस्ट क्यों नहीं हुए है? प्लस जो इन्होंने हमारे जो मंत्री है इनके ऊपर जिन्होंने टिप्पणी की है उसकी हम गहरी और निंदा करते हैं। क्षेत्रवाद को बीजेपी वाले तो आजकल बेलने हैं घर में अपने, पूछ कोई रानी अगले इलेक्शन में चल जाएगा पता 2024 के उनको, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। आप ये बताओ, मैं उनसे ही पूछूंगा, चलो जो ऐसा बोल रहे हैं इंद्र सिंह क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, कोई एक स्टेटमेंट ही बता दे, एक स्टेटमेंट बता दे मेरे को कहीं भी पब्लिक मंच में या कमरे में बैठ के भी एक हमारी स्टेटमेंट बता दे कि हमने किसी क्षेत्र के खिलाफ बात करी। आपको ये लगता है ना जी कि इसको राजनीति रंग दिया जा रहा है? दे रहे हैं कुछ एक लोग जो जिनको कोई पूछता है नहीं और एक मंच मिल गया है बोलने का, वो लोग ही दे रहे हैं, बाकी कोई समझदार लोग कोई नहीं दे रहा। नहीं देखो, ये जो मामला है ये दो टैक्सी यूनियन के बीच की लड़ाई है, ये बिजनेस इंटरेस्ट की जो है वो लड़ाई है। इसमें शिमला वर्सेस सिरमौर का जो रंग देने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं वो गलत है, और इसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और वरिष्ठ नेता भी इसमें हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो ऐसा ना करे। ये छोटा सा झगड़ा जो है आपस में दो टैक्सी यूनियन के बीच में हुआ है, और हमने तो इसको मामले को सुलझाने की कोशिश की, और हमने अपने जो सिरमौर के टैक्सी यूनियन के लोग हैं मैंने उनको भी कहा है कि आपस में बैठ करके इस मसले को जो है वो सुलझा लिया जाए। मंडी से पंडो नेशनल हाईवे पर 4 मील और 7 मील नामक स्थानों के बीच 5 जगहों पर फोरलेन निर्माण के लिए पहाड़ियों को काटने का कार्य चल रहा है, क्योंकि ये पहाड़ सीधी खड़ी ढलान वाले हैं और साइज में भी काफी बड़े हैं, जिसके कड़ी करने के लिए एनएच पर चल रहे ट्रैफिक को प्रतिदिन कुछ समय के लिए बंद करना पड़ता है। इसको लेकर एएसपी सागर चंद ने कहा कि निर्माण कंपनी को रात को काम करने को कहा गया है। अब रोजाना मध्यरात्रि से सुबह 3:30 बजे तक एनएच से इस भाग पर ट्रैफिक रोका जाता है, और जिसके बारे में जिला प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सब जानते हैं कि मंडी से पंडो के बीच में फोर लेन का जो काम है ये अभी भी चला हुआ है और काफी काम पेंडिंग है। यहाँ काफी बड़े पहाड़ हैं जिनका कटिंग का काम अभी भी चला हुआ है, तो अभी तक शायद ऐसा पूरे फोर लेन पे यही एक पार्ट बचा है जिसका काम अभी पेंडिंग है, और जहाँ लोगों को जो है समस्याएं जो फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि ट्रैफिक के ब्लॉकेज लगाने पड़ते हैं। गर्मियों का ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो हमने जो दिन को 3 घंटे अलग अलग घंटों पे ये जो 3 ब्लॉकेज लगाए जाते थे उनको बंद कर दिया गया था। कंपनी को कहा गया था कि आप रात के समय काम करें, रात को मिडनाइट 12:30 से लेके मॉर्निंग 3:30 तक 3 घंटे के लिए ये ब्लॉकेज था, तो अभी भी ये ब्लॉकेज जो है वो उसी तरह से चालू है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में सरकार और प्रशासन विकास करने का दावा करते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही तस्वीरें बयां करती है। आपको बता दें कि कुल्लू जिले से मणिकर्ण घाटी की बरशेनी पंचायत के पुलगा गांव को जोड़ने वाला पुल 5 सालों से नहीं बन पाया है। जानकारी के मुताबिक पुलगा गांव में 600 लोगों की आबादी है, साथ ही यहां पर्यटक भी घूमने के लिए आते हैं, लेकिन पुलगा गांव को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कछुए की चाल से चल रहा है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत प्रधान रविंद्र कुमार ने बताया कि बीते काफी समय से लोक निर्माण विभाग यहां पर पुल का निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं। वहीं बरसात भी अब शुरू होने वाली है, ऐसे में नदी का जलस्तर भी भरना शुरू हो जाता है। यहां पर लोगों को अभी भी लकड़ी के फट्टे के ऊपर से ही नाले को पार करना पड़ता है। हालांकि यह रास्ता गाड़ियों को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गायनाला में गर्मियों में अब जैसे ऊपर बर्फ पिघलती है तो वहां पर जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वह टेम्परेली जैसे गाड़ियों को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है, और आदमी को क्रॉस करने के लिए तो अब है ही नहीं। और मैं चाहूंगा कि प्रशासन या हमारी सरकार से गुजारिश करूंगा कि इन लोगों के लिए, हमारे गांव पुलगा के लिए आने जाने के लिए जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण किया जाए।
प्रदेश में सेब सीजन शुरू होने वाला है। सेब सीजन से पहले ही सेब बागवानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर शिमला के कालीबाड़ी होल में सेब उत्पादक संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से बागवान उत्पादक शामिल हुए। वहीं इस दौरान सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने कहा कि सम्मेलन में बागवानों की 17 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा की गई है, जिनमें मुख्य रूप से यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य रूप से लागू करने, MIS को जारी रखने समेत कई मांग सरकार के सामने रखी जाएंगी। जो 6000 करोड़ की जो क्या नाम आपकी आर्थिकी किसानों की है, उसको लेकर के जो सेब में एक चीज मतलब जो सामने आ रही है कि सेब की खेती घाटे की खेती हो रही है और इसके ऊपर में संकट जो है वो गहराता चला जा रहा है। इस बात को जो लंबे समय से जो इसकी आर्थिक में जो आर्थिक नीतियों को बदला गया है, जिसके तहत में बुनियादी खेती को जो संकट आया है, इस बात को इस बात से समझ सकते हैं आप कि जो खुला बाजार खुला व्यापार नीति के तहत में सिर्फ एक इत्तफाक है कि जब शुरू में सेब बिकता है तो 100 रुपए ही है, वो सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है, वो बड़े कम समय के अंदर में इस तरह का परिस्थिति होती है। और बी ग्रेड का सेब जो है ना आपका 25 से 30-35 रुपए के रेट में बिकता है और सी ग्रेड का सेब जो है ना 10 रुपए से लेकर 20 रुपए में बिकता है। परंतु मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि खुला बाजार और खुला व्यापार की जो क्या नाम नीति है, उसके तहत में आप देखते हैं ए ग्रेड का सेब जब लास्ट कंज्यूमर के पास मिलता है तो उसमें 250 से 300-350 रुपए मिलता है। दूसरे ग्रेड का सेब जो है आपका 150 से 200 रुपए तक मिलता है और 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक तीसरे ग्रेड का सेब जो है ना कंज्यूमर को मिलता है। बिलासपुर जिले के घुमारवी उपमंडल के सात लखती पंचायत सेव के गांव नसवाल में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, परिवार के मुताबिक युवक कुछ समय से दिमागी तौर पर अस्वस्थ था। उसने 15 दिन पहले भी जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। मृतक की पहचान मनोहर पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र पाल गांव नसवाल के तौर पर हुई है। वहीं घुमारवी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।